फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहार, वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, आज से मैं आपको इस चैनल पर लेडीज ब्लाउज सिखाना शुरू करूंगी कि ब्लाउज कैसे बनाया जाता है। मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की फरमाइश थी कि आप हमें ब्लाउज बताइए, तो चलिए आज आपकी फरमाइश पूरी कर देती हूँ। ब्लाउज बनाने के लिए मैंने इस तरह से ये बॉर्डर बनाया है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बॉर्डर सिखाऊंगी। ये बॉर्डर बनाने के लिए आपको 3 के मल्टीपल फंदे लेने होंगे। इसमें मैंने यहाँ पर 30 फंदे लिए हुए हैं, तो आप अपनी मर्जी से इसमें कम फंदे भी रख सकती हैं। ज्यादा तो फ्रेंड्स आप नहीं रखना, क्योंकि ज्यादा होने पर इसकी ये वाली लेंथ बहुत हो जाएगी, जो कि हमारे ब्लाउज को अच्छी लुक नहीं देगी। तो आप इसमें 24, 27 या 30 फंदे तक रख सकती हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 15 फंदे लिए हुए हैं। 15 फंदे में ही मैं आपको इस तरह से ये डिजाइन सिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है। एक तो आप इसमें इस तरह से सिंगल धागे के फंदे रखना, और फंदे इस तरह से हल्के लूज ही रखना, टाइट नहीं होने चाहिए, जिससे कि हमारी ये वाली साइड सुकड़ी हुई ना बने। तो ये हमारी उल्टी उल्टी सिलाइयों से बनेगा, इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा सिलाइयां नहीं बनानी होती हैं। धागा अपनी तरफ करके फंदे डाल के पहली सिलाई आप इसकी पूरी इस तरह से उल्टी बना दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, फंदे डाल के पहली सिलाई इसकी मैंने उल्टी बना करके कंप्लीट कर ली है। अब आ जाएगा इसकी उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर भी हमने इसकी सिलाई उल्टी ही बनानी है। देखिए, इस तरह से 3 फंदे रहने तक यहाँ पर मैं इसमें सारे फंदे इसके उल्टे बना लेती हूँ। आपको इस तरह से ही इसकी सिलाई दूसरी कंप्लीट करनी है। आप देख लीजिएगा, ये देखिए, इस तरह से जब आपके 3 फंदे रह जाएं, तब हम यहाँ पर अपना सेकंड कलर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपना सेकंड कलर लेंगे, और सेकंड कलर से हम इसे यहाँ से बुनाई करेंगे इसकी। पहले आप इसमें बांध लीजिएगा, क्योंकि बांधने से यहाँ पर ये खुलेगा नहीं। मैं इसे आपको ऐसे ही बनाकर दिखा रही हूँ, क्योंकि नॉट नहीं लगाएंगे तो ये हमारा यहाँ से खुलने का डर रहता है। इस तरह से करके भी आप इसके साथ इसकी नॉट लगा सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमारे, अगर आप जितने भी फंदे रखेंगी, आपने यहाँ 3 फंदे ही बनाने, क्योंकि 3 के मल्टीपल ही होने चाहिए। अब जब आप सीधी साइड से बनाएंगी, तो देखिए कैसे करेंगी, ये 3 फंदे हम अपने इस वाले कलर से ही बनाएंगे। आप पहला फंदा इसका उतार भी सकती हैं और बना भी सकती हैं, ये आपकी अपनी ही मर्जी होगी। देखिए, इस तरह से 3 फंदे इस कलर से बनाने के बाद इस धागे को आप पीछे कर लीजिएगा, और जो आपका ये वाला धागा है इसको यहाँ आगे ले आइए, और देखिए इस तरह से आप ये फंदे बनाते जाइएगा। और ये वाला जो धागा है, ये सेकंड वाला, इसको आप देखिए इस तरह से करेंगी, और इसको आप थोड़ा आगे दबा दीजिएगा, ताकि आप जब दोबारा से 3 फंदे की बुनाई और करें, तो आपको ये ज्यादा बड़ा ना लगे। तो अब हम इसे आगे इस तरह से उल्टा बनाते जाएंगे। ध्यान से देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस इसे थोड़ा सा समझना ही है कि ये हमने कैसे बनाया है। ये देखिएगा, इस तरह से ये हमारी सीधी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हमारी उल्टी साइड की सिलाई है। इसमें अब हम यहाँ से इस धागे से बनाना शुरू करेंगे, और यहाँ के 3 फंदे रहने तक हम ये सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए इस तरह से, आपके जितने भी फंदे होंगे आपने वो आगे इसी तरह से करते हुए जाना। अब ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये 3 हमने पहली बार में किए थे, अब दूसरी बार में हमने यहाँ वाले 3 भी वाइट करने। तो देखिए, इस धागे को आप इस तरह से आगे दबा लीजिएगा, ताकि यहाँ कोई छेद ना बने। अब देखिए, इस तरह से ये 3 फंदे भी हम इस क्रीम कलर से बना देंगे, और आगे वाले जो क्रीम है उन्हें भी हम इसी क्रीम कलर से बना देंगे। अब देखिए, इस तरह से ये हमारा यहाँ से ये डिजाइन इधर बनता चला जाएगा, जो हमारा ऐसे यहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था और ऐसे आया हुआ है। अब हम सीधी साइड पर हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से इस तरह से ये क्रीम कलर के जितने भी फंदे हैं हम क्रीम कलर से बनाएंगे, और जो आगे हमारे ब्लैक कलर के हैं वो ब्लैक कलर से बनाएंगे। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस धागे को इस तरह से लेके जाएंगे, और ये जो ब्लैक कलर का है इसे आप इस तरह से थोड़ा सा खींच लीजिएगा, ताकि यहाँ छेद ना बने, और इसको इस तरह से हम एक, और ये देखिए 2 फंदे बनाने के बाद आप इस तरह से जरूर कीजिएगा, इस धागे को इधर लीजिएगा, इस क्रीम कलर के को थोड़ा सा दबा के देखिए पीछे से इस तरह से, और यहाँ
इसको ले आइएगा, इससे ये धागा हमारा यहाँ से थोड़ा आगे आ जाता है। अब आगे के फंदे हम इस तरह से उल्टे बनाते जाएंगे। अब इस तरह से ये सीधी साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब फिर से हम उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई पर फिर से हम यहाँ के तीन फंदे रहने तक ये वाले हम ब्लैक से बनाएंगे। तो देखिए ये हम ब्लैक बना लेते हैं। सिलाइयां इसमें फ्रेंड्स आपको सारी उल्टी ही बनानी है, उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी। अभी देखिए ये हमारे यहाँ तीन फंदे ब्लैक रह गए हैं। तो इस ब्लैक वाले धागे को इस तरह से आगे करेंगे, व्हाइट वाले को लेंगे और देखिए इस तरह से एक दो और ये तीन। देखिए हर बार हम उल्टी सिलाई पर तीन धागे ब्लैक से क्रीम कर रहे हैं। अब देखिए आगे जो क्रीम है उन्हें भी हम क्रीम कलर से ही बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सिलाई हमारी उल्टी कंप्लीट हो जाती है। अब सीधी साइड पर ये जो हमारे क्रीम के हैं ये क्रीम से बन जाएंगे और जो ब्लैक से हैं वो ब्लैक से ही बनेंगे। इस तरह से हमने ये क्रीम कलर से सारे फंदे जो हमारे क्रीम थे वो बना लिए हैं। अब देखिए इस धागे को आप पीछे ले जाइएगा और ये जो ब्लैक है देखिए इसको आप जरूर टाइट कीजिएगा ताकि यहाँ पर हमारा छेद ना बने। अब देखिए पहले आप इस तरह से दो फंदे बनाने के बाद धागा पीछे करके ये जो व्हाइट है इसको थोड़ा सा आगे जरूर ले आइएगा और उसके बाद इस ब्लैक को लाकर आगे आपके जितने फंदे बचे अपने इस तरह से बना लीजिएगा। ये देखिएगा फ्रेंड्स ये हमारा डिजाइन इस तरह से बनना शुरू हो गया है जो हमारा इसमें बना हुआ है। अब फिर से हम इसकी उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई पर देखिए हम फिर से यहाँ ये तीन फंदे रहने पर आगे वाले फंदे ब्लैक से बनाएंगे। तो ये देखिए अब हम इसमें एक दो और ये तीन, देखिए तीन फंदे बनाने के बाद हमारे तीन ही ब्लैक बचते हैं। तो हम इस धागे को आगे लेंगे और ये वाले तीन फंदे अब हम क्रीम कलर से बना देंगे और आगे जितने फंदे बचे हम इन्हें क्रीम से बनाते हुए सिलाई कंप्लीट कर देंगे। सीधी साइड से भी हम देखिए अपने जो ये क्रीम कलर वाले फंदे हैं वो क्रीम कलर से बनाएंगे और आगे जो हमारे ब्लैक हैं उन्हें हम ब्लैक से बनाएंगे। देखिए धागा इस तरह से पीछे लेकर जाएंगे, धागा अपनी तरफ करके ये जो ब्लैक है इनमें से दो फंदे इस तरह से ब्लैक बनाकर ये जो क्रीम धागा है हमारा पीछे से इसे हम थोड़ा आगे लेकर आएंगे। धागा वापस अपनी तरफ करके इस तरह से हम ब्लैक बनाते जाएंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स हम फिर से इसकी उल्टी सिलाई पर हैं। अब हमारे यहाँ लास्ट में जब तीन ही फंदे रह जाएंगे, आपके जितने भी फंदे होंगे आपने बनाते इस तरह से ही जाना है, जब लास्ट के रहेंगे तब आपने ब्लैक को छोड़ करके इस क्रीम कलर से ये ब्लैक वाले फंदे भी क्रीम बनाते हुए इस तरह से, ये देखिए सारे फंदे इस सिलाई में हमारे क्रीम कलर के हो गए। तो ये पूरी सिलाई आप इस तरह से उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने उल्टी सिलाई इसकी कंप्लीट कर ली है। अब आ जाइएगा इसकी सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई में भी इस बार ये पूरी सिलाई हमारी क्रीम कलर से ही बनेगी। तो देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ करके आप इस सिलाई को पूरा उल्टा बना दीजिए यहाँ तक। इस तरह से ये पार्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है, इतना यहाँ तक का। अब हम इसे इस तरह से लेकर जाएंगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है अब ध्यान दीजिएगा, उल्टी सिलाई पर है, इस क्रीम कलर वाले धागे को आप इस तरह से कर लीजिएगा और यहां से अब तीन फंदे आप ब्लैक बना लीजिए। देखिए एक दो और ये तीन। अब जो आगे के फंदे बचे उन्हें आप इस तरह से, देखिए धागा इस तरह से रखिएगा और क्रीम कलर से इन्हें सारे फंदे को उल्टा बनाते हुए सिलाई कंप्लीट कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स जब हमारी स्टार्टिंग यहां से तीन फंदे क्रीम पड़ते गए थे, अब हमारे यहां से इस क्रीम में से तीन फंदे ब्लैक होते चले जाएंगे हर उल्टी सिलाई पर। अब हम इसकी सीधी सिलाई पर हैं, तो जो क्रीम फंदे बने हुए हैं वो क्रीम से बनाने हैं और जो तीन फंदे यहाँ ब्लैक हैं वो ब्लैक से बनाने हैं। सिलाई हमने सारी उल्टी ही बनानी है तो मैं इसे इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये क्रीम फंदे बनाने के बाद आपने क्या करना है, धागा क्रीम वाला पीछे लेना है और ये ब्लैक वाला आपने इस तरह से, देखिए ऐसे ये यहाँ करके इस तरह से एक कांटा सा बना लेना है और इस ब्लैक वाले को आगे ले आना ताकि यहाँ छेद ना बने और ये फंदे आपने ब्लैक कलर से बना देने हैं। इस तरह से हमारी ये डिजाइन ऐसे बनना शुरू हो जाएगा जैसे यहाँ पर बना हुआ। अब आ जाइए इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई पर देखिए ये तीन फंदे तो हमारे हैं ब्लैक, ये हमने ब्लैक बनाने, इससे आगे तीन और बना लेने हैं। अब देखिए एक दो और ये तीन।
अब तीन पहले वाले में किया था, अब तीन अब हमने ब्लैक कर लिए। अब आगे जो फंदे बचे उन्हें हम क्रीम कलर से बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। सीधी सिलाई पर हैं, जो फंदे क्रीम है वो क्रीम बना देने हैं और जो ब्लैक हैं वो ब्लैक बना देने हैं। इस तरह से यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये फंदे क्रीम वाले बनाने के बाद इस धागे को पीछे करके देखिए इस तरह से, यहाँ इसको आगे की तरफ ले लेना और इस ब्लैक वाले को इस तरह से थोड़ा सा खींच के फिर आगे लेकर आना और उसके बाद हम ये फंदे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी होल नहीं बनता है, ये फंदे उल्टे ही बनेंगे। अब फिर से इसकी उल्टी सिलाई पर आ जाइएगा। उल्टी सिलाई पर देखिए हमारे जो ब्लैक फंदे हैं ये तो हमने ब्लैक बनाने ही हैं, इसके आगे तीन फंदे हम इसमें और ऐड करेंगे। तो दो बार हमारे ऐड हो चुके हैं, अब की बार हम तीसरी बार इसमें करेंगे। ये देखिए ये छह फंदे ब्लैक थे हमने बना लिए, अब इसमें आगे तीन फंदे और बना लेंगे। इस तरह से ये हमारे ब्लैक फंदे अब हर उल्टी सिलाई पर यहां पर बढ़ते चले जाएंगे और आगे जो हमारे क्रीम कलर के फंदे बच गए उन्हें हम क्रीम कलर से बना लेंगे, उल्टी सिलाई पर भी और सीधी सिलाई पर भी। जो क्रीम है वो क्रीम बन जाएंगे और जो व्हाइट ब्लैक है हमारे वो ब्लैक बन जाएंगे। तो ये सीधी साइड की सिलाई भी मैं इसकी कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए सिलाई इसमें उल्टी ही बन रही है सारी, तो जो क्रीम कलर के हैं वो क्रीम से, जो ब्लैक हैं वो ब्लैक से। धागा इस तरह से, यहाँ बस यही ध्यान रखना होता पीछे करके इस ब्लैक वाले को थोड़ा सा आप इस तरह से खींच लीजिएगा और उसके बाद आप इसे बनाइएगा। अब हम इसकी फिर से उल्टी सिलाई पर हैं। उल्टी सिलाई पर हमने वही करना है, तीन फंदे इसमें आगे ब्लैक कलर से और कर लेने हैं। तो देखिए इस तरह से आप ये फंदे पहले ब्लैक बनाते जाइएगा, जो ब्लैक है कलर आपका कोई भी हो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से कलर पसंद है। अब देखिए यहां तक के हमारे ब्लैक थे वो हमने ब्लैक कर लिए, अब इसमें से हम तीन फंदे और लेंगे। तो देखिए एक दो और ये तीन। अब हमारे लास्ट के जो फंदे बच गए वो हम इस तरह से क्रीम कलर से ही बना देंगे। अब आ जाइए इसकी सीधी सिलाई पर। सीधी सिलाई पर जो ब्लैक है वो ब्लैक और जो क्रीम है वो क्रीम ही बनाने हैं। तो देखिए तीन ही फंदे बचे हुए हैं मेरे। ये तीन फंदे बनाने के बाद इसको पीछे ले जाएंगे इस तरह से और इस ब्लैक वाले को थोड़ा सा टाइट खींच के आगे कर लेंगे और आगे के सारे फंदे मैं अपने ब्लैक से बना दूंगी। अब हम इसकी फिर से उल्टी सिलाई पर आ गए हैं। उल्टी सिलाई पर देखिए फ्रेंड्स, इस बार हमारे ये सारे फंदे ही ब्लैक हो जाएंगे लास्ट तक। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स हमारा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। अब सीधी साइड की पूरी सिलाई ब्लैक से बनाने के बाद फिर से हमारा वही प्रोसीजर इसमें रिपीट हो जाएगा जो हमारा यहाँ से शुरू हुआ था। तो मैं इसकी ये सीधी साइड की सिलाई सीधी बनाने के बाद उल्टी साइड की जो हमारी सिलाई बनेगी वो यहाँ के तीन फंदे रहने तक बाकी के फंदे ब्लैक बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी ये सेकंड बार जब हमारा ये वाला पार्ट इसमें स्टार्ट हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो आपको ये बताया है वो यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये हमारा अब इसमें शुरू हो गया है ब्लैक वाला, क्योंकि इसमें अब बीच में जिस तरह से ये बना हुआ है ये ऐसे ही ब्लैक बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जो स्टार्टिंग मैंने यहाँ से व्हाइट की थी वही अब मैं दोबारा से कर रही हूँ। तो उल्टी सिलाई पर है ये सारे फंदे इस तरह से ब्लैक बनाने के बाद यहाँ से ये तीन फंदे हमने फिर से व्हाइट शुरू कर दिए हैं। अब ये हर उल्टी सिलाई पर ऐसे इधर से बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स हमारा डिजाइन। अब आ जाइए कि आप इसकी ये चौड़ाई का नाप कैसे रखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें ये नाप भी चाहिए होता है कि हम किस साइज के लिए कितना बनाए इसे। तो आप फ्रेंड्स इंची टेप रखिएगा और जिस किसी के लिए भी बना रही है इस तरह से ऐसे करके नाप ले लीजिएगा, जैसे हम सूट की फिटिंग का नाप लेते हैं राउंड में, अपने फिगर का नाप रखिएगा इस तरह से। और लेने के बाद देखिए जैसे हमने राउंड में फिगर का नाप लिया है, तो जैसे मान लिया कि हमारा हुआ राउंड में 22, 20, 24 जितना भी आपका हुआ हो उसका आप हाफ कर लीजिएगा और इंची टेप से एक पार्ट को इस तरह से अगर हम नापेंगे तो ये बहुत लूज हो जाएगा, इसको हमने खींचना है। जितना आप इसे खींच कर नापेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, इसको आपने ऐसे खींच लेना है अपने नाप लेते टाइम। आप अपनी कमर से इस बॉर्डर को भी नाप सकती हैं ताकि ये हमें पता लग जाए कि ये हमें आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह से नापिएगा फ्रेंड्स इसको।
इस तरह से खींच खींच के, क्योंकि वुलन है बहुत काफी बढ़ती है, तो इस तरह से आप इसका नाप ले लीजिएगा और उसी हिसाब से आप इस पट्टी को उतनी ही लंबी बनाइएगा जितनी आपकी कमर का हिसाब हो। तो इस तरह से आप इस बॉर्डर को तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।